जय हिंद दोस्तों, सेल्फ इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोबाइल पीसीबी में लगे क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, क्रिस्टल कुछ इसी प्रकार से मोबाइल की पीसीबी में लगा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि हम अगर अपने चैनल पर वीडियोज डालते हैं तो आप नोटिफिकेशन उसका आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्रिस्टल क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल, एक आरटीसी जिसे हम रियल टाइम क्लॉक कहते हैं। डिनोटिंग लेटर इसका BUGOSY X और Y, इससे हम इसे डिनोट करते हैं। सर्किट सिंबल इसका ये होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऑक्सीलेटर क्रिस्टल इस प्रकार से मोबाइल में इसका शेप होता है, एक प्रकार आउटपुट होता है, एक AFC होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इसकी यूनिट होती है 13 माइक्रोहर्ट्ज, 16 माइक्रोहर्ट्ज, 19 माइक्रोहर्ट्ज, 26 माइक्रोहर्ट्ज। ज़्यादातर हम मोबाइल में हमें 26 माइक्रोहर्ट्ज यूनिट का क्रिस्टल यूज होता है। यह फ्रीक्वेंसी पैदा करता है तथा नेटवर्क IC और CPU को फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है। RTC रियल टाइम क्लॉक, इसका शेप कुछ मोबाइल की PCB में इस प्रकार से होता है, एक काला काला सा होता है, गोल्डन होता है, कुछ में ग्लास बॉडी होती है, कुछ ब्राउन और सिल्वर होता है। इसकी यूनिट 32.768 किलो माइक्रोहर्ट्ज होता है। इसका काम होता है RTC जैसे रियल टाइम क्लॉक, इसका नाम ही है, यह टाइम और डेट को अपडेट करने के लिए क्लॉक वाइज पल्स पैदा करता है। इसकी टेस्टिंग, किसी भी प्रकार के क्रिस्टल की टेस्टिंग हम मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टल चेक करने के लिए CRO कैथोड रेज ऑस्किलोस्कोप मशीन का यूज किया जाता है। ये रही उसकी इमेज, आप देख सकते हैं इसी मशीन से हम क्रिस्टल को चेक करते हैं। स्पीकर रेडियो सिग्नल, स्पीकर एयरपीस रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसे हम एयरपीस SPK ईयर EAR से डिनोट करते हैं। इसका सर्किट सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। टेस्टिंग मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं। स्पीकर को चेक करने पर बीप साउंड के साथ 28 ओम से 32 ओम वैल्यू आती है तो वह ओके कंडीशन में होता है। फॉल्टी कंडीशन, बीप साउंड या वैल्यू नहीं आती है तो यह ओपन कंडीशन में होता है। रिंगर लाउड स्पीकर, यह कॉल या मैसेज आने पर यह रिंग टोन सुनाता है। यह ऑडियो या वीडियो प्ले करने पर लाउड स्पीकर का काम करता है। डिनोटिंग लेटर बजर बज्जो लाउड स्पीकर IHF, सर्किट सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी टेस्टिंग ओके कंडीशन, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं। रिंगर को चेक करने पर बीप साउंड के साथ 6 ओम से 10 ओम वैल्यू आती है तो यह ओके कंडीशन में होता है। फॉल्टी कंडीशन, बीप साउंड या वैल्यू नहीं आती है तो यह ओपन कंडीशन में होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद।